बदनौर के पुराने बस स्टैंड पर बनी सराय को नेकी की दीवार जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन अब स्वयं मदद का इंतजार कर रही है। बदनौर पुराने बस स्टैंड पर बनी सराय को नेकी की दीवार जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाई गई, लेकिन अब स्वयं मदद का इंतजार ही है। ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार कोरोना काल के बाद से पुस्तकालय बंद पड़ा है। कुछ समय तो यह सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित रहा, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। तब से इसके ताला लगवा दिया गया है। इससे न तो प्रतियोगी परीक्षार्थियों को और न ही आमजन को लाभ मिल पा रहा है। बदनौर में अन्य कई कोई सरकारी पुस्तकालय नहीं होने से खासकर परीक्षार्थियों को मजबूरन निजी पुस्तकालय में अध्ययन करने के लिए जाना पड़ता है, जबकि परीक्षार्थियों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में बंद पड़े सार्वजनिक पुस्तकालय को खुलवा दिया जाए तो ये परीक्षार्थियों के लिए लाभदायक साबित। कुचामन शहर के व्यस्तम मार्गों में से एक अस्पताल रोड से नगर परिषद ने शुक्रवार सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कुचामन शहर के व्यस्तम मार्गों में से एक अस्पताल रोड से नगर परिषद ने शुक्रवार सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी और सभापति आसिफ खान ने बताया कि मार्ग पर कई तरह अतिक्रमण हो रखे थे और आमजन की कई बार ये शिकायत आ चुकी थी कि लोगों को अस्पताल आने जाने में भारी परेशानी होती है। इसके अलावा हॉस्पिटल से आने जाने वाली एम्बुलेंस को भी अतिक्रमण की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर शुक्रवार सुबह अस्पताल रोड से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर परिषद की रफीक खान के नेतृत्व में हुई और इस कार्रवाई में नगर परिषद के विकास विनोद कोविंद व बबलू जमादार भी शामिल रहे। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर क्षेत्र में चक 8 बीजीडी के ग्रामीणों ने 16 जीबी से 8 डीडी को जाने वाले रोड पर धरना प्रदर्शन किया। सड़क के निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया। गंगानगर के श्री विजयनगर क्षेत्र में चक 8 बीजीडी के ग्रामीणों ने 16 जीबी से 8 बीजीडी को जाने वाले रोड पर धरना प्रदर्शन किया। सड़क के निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं सरपंच पति भागीरथ छगनलाल और सुभाष जोगा सिंह के नेतृत्व में 1 किलोमीटर डामर सड़क ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण करने के विरोध में सड़क पर ही धरने पर बैठकर लिंक सड़क का चक्का जाम कर दिया। वहीं ग्रामीण विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष रेशम सिंह संधू ने जिला कलेक्टर से सड़क का अधूरा काम पूरा करवाने व घटिया काम सही करवाने की मांग की है। हम आपको बता दें कि भाजपा विधायक बलबीर सिंह लूथरा द्वारा 1 किलोमीटर सड़क दी गई है, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत ठेकेदार करवा रहा है, जिसमें घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग कर सड़क कम गुणवत्ता होने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में थाना सरमथुरा द्वारा वांछित इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में थाना सरमथुरा द्वारा वांछित इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देर रात तक चली कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस थाना सरमथुरा पर टीम गठित कर अवैध रेता खनन माफिया इनामी अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्रवाई। उक्त मुलजिमान में से मुलजिम राम भजन उर्फ भजनी के खिलाफ, फॉरेस्ट एक्ट में मारपीट रामदीन के खिलाफ, अवैध चंबल रेता परिवहन राधेश्याम उर्फ कल्ला के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी से अवैध चंबल रेता स्टॉक करने के विषय में तफ्तीश की जा रही है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे इनामी और अवैध रेता माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और धरपकड़ अभियान के दौरान थाना सरमथुरा पुलिस ने कल दिनांक 29/9/2022 को 500 रुपये के 6 इनामियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना पर 29 जुलाई 2022 को अवैध चंबल रेता स्टॉक का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पर थाने पर 279/22 मुकदमा नंबर अंडर सेक्शन 379 आईपीसी और 29/51 वन्य जीव अधिनियम और 41/42 फॉरेस्ट एक्ट में दर्ज किया गया था, जिसमें वांछित चल रहे मुलजिम जिन पर 500 रुपये का इनाम श्रीमान एसपी साहब द्वारा किया गया था, उनको जिनके मुलजिमों के नाम क्रमश इस तरह से हैं: राम भजन उर्फ भजनी सन ऑफ निर्भय जाति गुर्जर निवासी मठ मलपुरा और अशोक सन ऑफ मानसिंह ठाकुर निवासी ढिली, रामदीन सन ऑफ रमेश निवासी ढिली और राधेश्याम उर्फ कल्ला पुत्र श्री बहादुर सिंह ठाकुर निवासी झिरी, शौकत खां सन ऑफ शकूर खां निवासी झिरी, सोनू खां पुत्र श्री नसीर खां निवासी झिरी को कल देर रात तक पुलिस टीम सरमथुरा ने बड़ी मशक्कत से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन लोगों से चंबल रेता लाने ले जाने संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है।
भीलवाड़ा पुलिस लाइन क्वार्टर में घुसा 7 फीट लंबा सांप। इस पर भीमगंज थाना अधिकारी विक्रम सिंह सेवावत ने सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत को रेस्क्यू के बाद सांप सुपुर्द किया। भीलवाड़ा पुलिस लाइन क्वार्टर में घुसा 7 फीट लंबा सांप। इस पर भीमगंज थानाधिकारी विक्रम सिंह सेवावत ने सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत को रेस्क्यू के बाद सांप सुपुर्द किया। वन क्षेत्र में रिलीज छोड़ने के लिए और आमजन से वन्य जीवों को नहीं मारने की अपील की और ये बताया कि वन्य जीवों को मारना एक कानूनी अपराध है। पकड़ा गया सांप भारत का सबसे फुर्तीला तेज भागने वाला इंडियन रेड स्नेक, हिंदी नाम धामन बिना जहर का सांप था। इंडियन रेड स्नेक जो कि विक्रम सिंह जी सर भीमगंज थाना अधिकारी महोदय के क्वार्टर में रेस्क्यू हुआ और सर को भी थोड़ा बहुत रेस्क्यू का एक्सपीरियंस है तो सर ने बोला तो सर ने इसको हैंडलिंग किया है और ये रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला है तो बहुत अच्छा सर ने भी इसको अच्छा ग्रिप किया है और अच्छा हैंडल किया है। नॉन वेनम स्नेक इंडियन रेड स्नेक दामन भारत का सबसे फुर्तीला और सबसे तेज दौड़ने वाला स्नेक। शहर के जुनावास तेजाजी चौक क्षेत्र निवासी रामलाल तेरी ने बताया कि गांव-गांव खेड़ा-खेड़ा में गौ माता को लंपी रोग की भयंकर बीमारी से बचाने हेतु माताजी का पूजन किया जा रहा है। शहर के जुनावास तेजाजी चौक क्षेत्र निवासी रामलाल तेली ने बताया कि गांव-गांव खेड़ा-खेड़ा में गोमाता को लंपी रोग की भयंकर बीमारी से बचाने हेतु माताजी का पूजन किया जा रहा है। इसी के चलते श्री शीतला माता मंदिर में क्षेत्र निवासियों एवं गो भक्तों द्वारा माताजी का पूजन कर भगवान शिव जी का दुग्ध अभिषेक किया गया। गो भक्त राहुल सांखला ने बताया कि इस कार्यक्रम हेतु सुबह 7:15 बजे शीतला माता मंदिर में विराजमान माताजी की पूजा की गई एवं भगवान शिव का दुग्ध अभिषेक एवं सहस्रधारा अभिषेक कर गो माता को भयंकर बीमारी लंपी से निजात दिलाने हेतु प्रार्थना की गई। आरती के बाद गायों के अस्पताल में हरा चारा डेरी बाटा नुक्ति का प्रसाद गायों को खिलाने हेतु गौशाला में भेजा गया। माता की बोला चार भुजा नाथ की बोला शीतला माता की बोला गौ माता की। आज जुनावास क्षेत्र निवासियों द्वारा सर्वधर्म संवाद के सभी लोगों द्वारा महिलाओं द्वारा माता जी के पूजा अर्चना की गई और प्रार्थना की गई कि आए दिन जो गौ माताएं लंपी वायरस से जो उनकी मौत हो रही है उनकी रोकथाम हेतु माता जी से प्रार्थना की गई, माता जी की पूजा की गई। इसमें क्षेत्रवासियों ने सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, सबने सहयोग किया है और साथ ही सहस्त्रधारा अभिषेक का कार्यक्रम भी रखा गया। भगवान भोलेनाथ से भी माता जी को और सहस्त्रधारा अभिषेक कर भगवान से प्रार्थना की गई गौ माता की रक्षा हेतु उन्हें लंपी वायरस से बचाने हेतु अथक प्रयास करते हुए उनकी प्रार्थना की गई और उनको बीमारी से बचाने के लिए निजात दिलाने हेतु भगवान से प्रार्थना की गई। अभी हाल ही में फुलेरा से भाजपा विधायक निर्मल कुमावत द्वारा जमाबंदी में कुम्हार प्रजापत शब्द को हटाकर सिर्फ कुमावत समाज रखने की मांग की गई थी और सरकार ने इस मामले को मानते हुए कुम्हार प्रजापत की जगह कुमावत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 758 सिंगुड़ला का रणजीत सागर तालाब पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षित करता है। जो भी व्यक्ति उदयपुर भीलवाड़ा हाईवे से निकलता है अपने और आकर्षित करना है, देखने के साथ ही अपनी सेल्फी लेना नहीं भूलता। तालाब की 11 फीट भराव क्षमता को पूरा का पूरा भरने के दौरान ये पानी लावड़ा का बाड़ा, मोमी, चावडेड़ी, गार्डनवाला, देवली आदि गांवों में सेजा होगा। इन गांव में जल स्तर बढ़ेगा। रणजीत सागर तालाब किनारे चाट, पानीपुरी, कचौरी, फल फ्रूट, सिंगाड़े आदि की स्टॉले दिखाई देती है। इस चौपाटी पर नाश्ते, खाने पीने का आनंद ले सकते कुल्ला संवाददाता बद्रीलाल माली ने बताया कि जो भी लोग तालाब के पास से आते जाते हैं वे तालाब को देखने व सेल्फी लेने से नहीं चूकते। कुल्ला सहित मजरों में सिंचाई व पीने का पानी का मुख्य स्रोत है। रणजीत सागर तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई के साथ कैलाशपुरी, लावड़ों का बाड़ा, कीरों का खेड़ा, गाडरी खेड़ा, कुम्हारिया खेड़ा गाँव के पीने के पानी साथ ही सिंचाई के लिए काम आता है। जो रणजीत सागर है कुल्ला का, इसकी भराव क्षमता 80 MCFD है। 80 MCFD ये माप होता है पानी का। तो मेरा कहने का मतलब इससे हमारी जो है करीब 1200 बीघे के अंदर गेहूं की खेती हो जाएगी, जिसमें 4 या 5 किले हम आराम से दे सकेंगे। कोई किसी प्रकार की ट्रबल नहीं। यदि एक बीघे में मिनिमम
10 क्विंटल गेहूं अगर पैदा होता है तो हमारे ये 12,000 क्विंटल का कोटा है, हमारे कोड़ों का लेवल बढ़ जाएगा इससे। और दो साल तक पानी की जरूरत, और दो साल तक हमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोड़े ऊपर आ जाएंगे। बहुत बड़ी कृपा हुई है ये तो, कहाँ का पानी कहाँ का नहीं, गवर्नमेंट के प्रयास है। और मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से भारत सरकार तक इसकी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार तक। नदी से नदी नहीं जोड़ोगे तो कुछ भी नहीं है आने वाले टाइम पे, बड़ी हालत खराब हो जाएगी। पानी कमी आ रही है, धरातल में पानी बहुत गहरा जा रहा है। नदियों से नदियों को जोड़ कर हमारे वाटर टेबल को बढ़ाना पड़ेगा, सिटी के साधन बढ़ेंगे तो हमारा देश तरक्की कर पाएगा, प्रोग्रेस कर पाएगा। बाकी पानी का अभाव है, कब तक संघर्ष कर देने की इस पानी के अभाव। यहाँ जी इस तालाब के लिए संघर्ष करके आप जो इस कंडीशन के हर तरह से हम तालाब के प्रयत्नशील है। हाँ। कैसे क्या हमारा पानी वहाँ जा रहा था, मेजर डैम में जा रहा था, उसको रोका हमने। 50-52 साल से हमारे 15,000 आम के पेड़ सूख गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। और हमारे नाले जो आते हैं उसको सील कर दिया था डिपार्टमेंट ने, फिर हमारी निगाह गई तो हमने उनको खुलवाया। बड़ी अनुन विनय करके संघर्ष करके न जाने क्या क्या पापड़ बनने पड़े। हमारा वाटर सेट का पानी तो हमें दे यार, हमारे कैचमेंट का पानी तो हमारे तालाब में आना चाहिए। अब क्या हुआ कि 2015 के अंदर मेरे वर्क को देखते हुए मेरे गांव वाले बस खुश थे, निर्विरोध बनाया। और निर्विरोध मेरे को जगह करके फार्म भरवाया, मेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ और फार्म भरवाया मेरे से, और निर्विरोध मेरे को चेयरमैन बना दिया। तो पिछले 8 सालों से मैं चेयरमैन हूँ यहाँ का जल उपयुक्त संगम, जो भाई डेलीगेटेड भाई मतलब जो ऑलरेडी पावर्ड भाई राज्यपाल गवर्नर ने सारे पावर दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास तो ऐसा आता नहीं, डिपार्टमेंट करवाता काम या कोई भी एजेंसी करा दी, लेकिन हमें स्वतंत्र एजेंसी कार्यकारी एजेंसी मान लिया है गवर्नमेंट। अगर 1 रुपए की जगह हम 1 रुपए का काम 2 रुपए का करके बताएंगे, यदि हमारे को बजट देते हैं डायरेक्ट 1 रुपए का जहाँ काम होता है हम 2 रुपए का काम करके बताएंगे। इतना बढ़िया बेहतरीन ढंग से काम हो सकता है, नहरों की व्यवस्था पूरी है, हमें नहरों में हमारा पानी निकल जाएगा, सारी नहरें जीर्ण शीर्ण हो रही है, कोई धड़ी हो रही नहीं, नहरों को पक्की बनाने का प्लान नहीं हो। अरे साहब नहरें जब तक पक्की नहीं होगी पहले प्रूडेंट नहीं होगी, पानी की बचत हमारे कैसा होगी जी, ये पानी बहकर के चला जाता है। अब हमने ये मतलब भगवान की दया से भर गया तो हमारी नहरें खतरनाक बहुत खतरनाक है, पानी नहीं पहुंचेगा खेतों में, जैसे तैसे जोड़ बिठा कर गया। और पानी ज्यादा होने से लीचिंग जो होता है, लीचिंग से हमारी कम से कम 200 बीघा जमीन हमारे घोरला की बिगड़ी हुई, नहरों की अव्यवस्था की वजह से होता। अभी हाल में ही फुलेरा से भाजपा विधायक निर्मल कुमावत द्वारा जमाबंदी में कुम्हार प्रजापत शब्द को हटाकर सिर्फ कुमावत समाज रखने की, इस पर कुम्हार प्रजापत की जगह कुमावत करने के आदेश जारी कर दिया है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय कुमार महासभा शाहपुरा ने विरोध प्रदर्शन कर नाम वापस जोड़ने की मांग को लेकर शाहपुरा SDM को राजस्व मंत्री रामलाल जाट के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एडवोकेट दुर्गालाल राजोरा व युवा जिला अध्यक्ष जगदीश प्रजापत, जिला उपाध्यक्ष गोविंद प्रजापत ने बयान देते हुए कहा कि कुम्हार समाज द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन के सिक्के मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति में मिले, जिससे यह सिद्ध होता है कि कुम्हार जाति सनातन धर्म से ज्ञानी आदिकाल से जयपुर स्टेट की जनगणना में कुम्हार शब्द प्रचलित है। लेकिन अभी राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत की मांग को मानते हुए जमाबंदी में कुम्हार प्रजापत से कुमावत करने के आदेश राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर को जारी किए। राजस्थान सरकार द्वारा कुम्हार की जाति का वजूद खत्म करने के साथ इस तरह रवैये से समस्त कुमार समाज में भारी रोष व्याप्त है। सेना के जवान वीर योद्धा अनिल यादव का दतिया जिले के ग्राम महेवा में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने लाडले सपूत को पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम विदाई दी। दतिया जिले के बड़ोनी तहसील के ग्राम महेवा निवासी अनिल यादव पिता आत्माराम यादव भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर के राजौरी में पदस्थ थे। उनका बीमारी के कारण निधन होने पर अंतिम संस्कार गांव में पूरे सम्मान के साथ हुआ। अनिल यादव तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को सेना के अधिकारियों जवानों ने सलामी दी। जिला प्रशासन की ओर से बड़ोनी तहसीलदार नरेंद्र यादव ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बड़नगर ग्राम पंचायत इंगोरिया के ग्रामीण गजेंद्र सिंह बन्ना ने इंगोरिया थाने पर पहुंचकर लिखित में शिकायत थाना प्रभारी को की और उन्होंने इंगोरिया चौपाटी स्थित तेजाजी रेस्टोरेंट पर अवैध गतिविधि संचालित होने का आरोप लगाया। गजेंद्र सिंह ने बताया कि उसके रेस्टोरेंट पर गांजा बेचता है, वह गांजे की तस्करी करता है, साथ ही अन्य नशीले पदार्थ की व्यवस्था भी करता है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर SP तक की है। थाना प्रभारी को भी आवेदन किया है, पिछली बार भी आवेदन दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गजेंद्र सिंह द्वारा बताया कि मोहन जाट और देवेंद्र जाट द्वारा अवैध गतिविधि संचालित की जाती है। थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह खलाटे से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच कर अगर अवैध गतिविधि संचालित हो रही है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि थाना प्रभारी किस तरह की वैधानिक कार्रवाई करते हैं या फिर अवैध गतिविधि इस तरह संचालित होती रहती है। यहाँ पर इंगोरिया में पशु चिकित्सालय की जगह है, वो वहाँ पर इन्होंने बड़ी लंबी जोड़ी दुकान बना रखी है 45x30 की,
तो दादागिरी अगर गाली गलौज करता है, आए दिन मारपीट करते हैं, पहले भी हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट और अभी भी फिर गाली गलौज करी उनने, और बोलते हैं तो बोले तुमसे जो हो कर लो, वहाँ से बैठे बैठे वो जो गांजा भी बेचते हैं, भांग भी बेचते हैं वो, और कहने जाते हैं तो बोले तुमसे बने जो कर लो, मेरे को कोई लेना नहीं, मैं किसी डरता भी नहीं। क्या नाम है उनका? उनका नाम मोहन जाट और देवेन जाट। किसके नाम से दुकान संचालित, किस नाम से कर रहे हैं? प्रिया जी रेस्टोरेंट के नाम से। तो आपने इसकी शिकायत की? पहले भी कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ मैं, एसपी साहब को भी दे चुका हूँ, माननीय अपने तहसीलदार साहब को भी दे चुका हूँ, और थाने पे भी पहले दे चुका हूँ, और आज फिर थाने पे आवेदन दिया है मैंने और तहसीलदार साहब को भी दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर अभी तक। मतलब आपका कहना है कि वहाँ अवैध गतिविधि संचालित होती चलती है? ठीक। जो स्टूडेंट है तेजाजी प्रिंस के नाम से, वहाँ पे अवैध गतिविधि संचालित हो रही है और ग्रामीणों ने शिकायत की, आज आपसे क्या है पूरा मामला? अभी गजेंद्र सिंह ने एक आवेदन पत्र दिया है कि देवा जाट करके उसका ये होटल है कि यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ चलती है, तो इसकी हम आवेदन की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। सर फरियादी का आरोप है कि वहाँ पे स्मैक और गांजे भी बेचा जा रहा है, तो इस संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई आपके द्वारा? आज ऐसी इनके द्वारा शिकायत की गई है, पूर्व में कोई शिकायत इसमें की नहीं थी, अब दिए शिकायत तो उसकी विश्वसनीयता जो भी रहेगी और उसके उचित कार्रवाई की जाएगी। मेमेंटो से स्वागत करें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन करें। संकल्प समर्पण और सेवा पर राजनीति को केंद्रित करने वाले कर्मयोगी परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन वरिष्ठ गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में निर्मित, देश में डिजाइन की हुई वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया, को रवाना किया। भारतीय रेलवे के 170 वर्षों के इतिहास में इस उपलब्धि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। रेलवे से प्रधानमंत्री जी का भावनात्मक जुड़ाव है, स्टेशन हो, ट्रेन हो, यात्रियों को कैसी सुविधाएं मिल रही है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होता हो, हर आयाम में साधारण मानवीय को ध्यान में रखकर माननीय मोदी जी पॉलिसी बनाते हैं। नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन बनाने का चैलेंज जब प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को दिया, काम कठिन था। एक मानसिकता थी कि अच्छी ट्रेन तो विदेशों से ही लानी पड़ेगी। मोदी जी ने इस मानसिकता को बदला, अपने इंजीनियर्स की ताकत पर भरोसा करना सिखाया, अपने टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस की क्षमता पर विश्वास किया। प्रधानमंत्री जी की इसी प्रेरणा का परिणाम है कि हिंदुस्तान में डिजाइन की हुई, अपने इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, वेल्डर्स की बनाई हुई वर्ल्ड क्लास ट्रेन आज हमारे सामने है। एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। स्टेशन की डिजाइन का काम चल रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब पूरा परिवार यात्रा करता है तो बच्चों के लिए अलग से स्टेशन में स्थान होना चाहिए, इतना बारीकी से देखते हैं हर चीज। एक और बात, शहर के दोनों हिस्से जो रेलवे की पटरी के कारण कई बार अलग अलग हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि, और अपने अनुभव से कहा उन्होंने, कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने, स्टेशन पूरे शहर का केंद्र बिंदु बने, यात्रियों के साथ साथ नागरिकों को भी शहर के स्टेशन में नई सुविधा मिले। आज शहरों में मेट्रो, BRT, हाई स्पीड बस, ऑटो इत्यादि यातायात के कई माध्यम बन गए। प्रधानमंत्री जी ने हर रिव्यू में हमेशा ये मार्गदर्शन दिया कि स्टेशन की प्लानिंग शुरू से ही इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, रेल से मेट्रो में जाना हो तो यात्री आसानी से जा सके,
ऑटो से उतर के रेलवे स्टेशन में आना हो, प्लेटफॉर्म पे आना हो, आसानी से आ सके, इन सब बातों को ध्यान में रख के स्टेशन का विकास करना है। रेलवे के स्टेशन शहर के व्यस्ततम इलाकों में होते हैं। देश में कई ऐसे शहर हैं जो रेलवे के साथ ही साथ आगे बढ़े। ऐसी परिस्थितियों में रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रूफ प्लाजा, इसका आइडिया भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। गांधीनगर कैपिटल स्टेशन में आपने इसका उदाहरण देखा, और अब अहमदाबाद में जो स्टेशन बनेगा और देश के हर बड़े शहरों में जो हर शहर में जो बनेगा स्टेशन, उसमें सब में प्रधानमंत्री जी की यही दूरगामी सोच दर्शित होगी। उन्होंने हमेशा ये कहा, आगामी 50 वर्षों के लिए प्लानिंग करके स्टेशन का निर्माण करो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप रेलवे के हर आयाम को बदलने का काम कर रहे हैं। स्टेशन हो, ट्रेन हो, पटरियों में नई तरह की टेक्नोलॉजी लाए, ज़्यादा स्ट्रेंथ की पटरियाँ, सुरक्षा के लिए कवच, रेलवे और पोस्ट को इंटीग्रेशन करना, हर आयाम को आपने बारीकी से देखा है। आपके बारीकी से देखने का उदाहरण अभी वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च कार्यक्रम में भी दिखा, कितनी बारीकी से आपने वेल्डर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ जो बातचीत की, क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसा उनका आत्मविश्वास है, वो आपने देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। कंधे से कंधा मिलाकर 21वीं शताब्दी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए सदैव आपका आभार। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मंत्री श्री, आपके ऊष्मापूर्ण स्वागत शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य श्री हरदीप सिंह पुरी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे प्रासंगिक उद्बोधन करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, सम्मानित अतिथिगण, आज बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया गया ये स्टेट ऑफ द आर्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपहार स्वरूप अहमदाबाद के नागरिकों को दिया जा रहा है। इस परियोजना के उद्घाटन के बाद भारत की मेट्रो कवरेज 810 किलोमीटर हो जाएगी। ये अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के हिसाब से भारत अन्य देशों की तुलना में अग्रणी हो गया है। मुझे याद है जब मैं 1975 में पहली बार जापान गया था और उनका टोक्यो शहर में जो मेट्रो सिस्टम माना गया था, दुनिया में टॉप क्लास मेट्रो सिस्टम माना जाता था, उस समय मैं सोचता था कि कब भारत में हमारा ऐसा मेट्रो सिस्टम बनेगा। मुझे बहुत खुशी है आपसे ये आपको ये जानकारी देते कि भारत जापान के पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हमारे 810 किलोमीटर जो ऑपरेशनल है, उसके अलावा 982 किलोमीटर का नेटवर्क अंडर ऑपरेशन है। उसके पूरा होने पर भारत साउथ कोरिया और अमेरिका, जापान से तो आगे निकल ही जाएगा, साउथ कोरिया और अमेरिका से भी आगे निकलकर विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, और मुझे उम्मीद है ये आने वाले 1-2 सालों में होने वाला है, क्योंकि जो 982 किलोमीटर लाइन ऑपरेशनल है उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी किया जा रहा है अलग अलग शहरों में। ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि 2014 से पहले मेट्रो नेटवर्क का विस्तार बहुत धीमी गति से होता था,
पहला आधुनिक नेटवर्क दिल्ली में वाजपेयी जी की सरकार द्वारा 2002 में शुरू किया गया। तब से लेकर 2014 तक भारत में मेट्रो नेटवर्क केवल 248 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने मई 2014 में देश के विकास का दायित्व संभाला, तब से मेट्रो नेटवर्क के निर्माण में एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स केवल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स ही नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। जिन भी शहरों में मेट्रो सिस्टम बने हैं वहां इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हुई है। आपके द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय शहरी मिशनों ने देश की शहरी क्षेत्रों को मौलिक रूप से बल दिया है। 2004 से 2014 तक शहरी विकास में केवल 1,57,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। पिछले 8 सालों में शहरी विकास में करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए यानी 10 गुना से ज्यादा निवेश किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस डेवलपमेंट मॉडल की शुरुआत 2001 में की थी उसे गुजरात के शहरों को देश के सबसे वाइब्रेंट सिटीज में के रूप में मान्यता मिली। अहमदाबाद 2030 तक भारत का 7वां मेगा सिटी बन जाएगा। यहां मेट्रो नेटवर्क बढ़ते शहरी विकास में एक भूमिका निभाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी दूरदर्शिता इस अमृतकाल में भारत के शहरी क्षेत्रों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के पथ पर बहुत ही आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री, आपके मानक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेओनु लक्ष्य छे के दरेक गुजराती ने सुविधा सभर अने श्रेष्ठ जीवन प्राप्त थाय અને રાજ્યનો સર્વોત્તમ વિકાસ થાય તેવા ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો ઉત્સાહભેર તેઓના ઉદબોધન માટે આમંત્રિત કરીએ। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद खाते आयोजित वंदे भारत एक्सप्रेस तथा अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज वन ना शुभारंभ प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित दिग्दृष्टिवंत नेतृत्व थकी भारत तथा राज्य ना सर्वांगी विकास ने नवी ऊंचाई अपनार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहेब, महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, प्रदेश अध्यक्ष ने नवसारी ना सांसद श्री सी आर पाटिल जी, केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री अश्विन वैष्णव जी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री दर्शनाबेन जरदोस, अहमदाबाद ना मेयर श्री किरीटभाई परमार, सौ सांसद सभ्यो, सौ धारासभ्यश्रीओ, संगठन ना सौ पदाधिकारी श्री, उपस्थित अधिकारीगण, विशाल संख्या में उपस्थित सौ नागरिक भाइयों बहनों अने प्रेस मीडिया ना मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। आजे अहमदाबाद ना नागरिकों माटे आनंद नो अवसर छे। नवरात्रि ना दिवसों अहमदाबाद अने समग्र गुजरात माटे गरबा ना उमंग साथे आधुनिक परिवहन सेवानी शुरुआत ना नवा रंग लईने आव्यो छे। गुजरात नु सद्भाग्य छे के आवा आधुनिक विकास ना आयामो ने वैश्विक शहरी विकास नी दिशा आपणा सौ ना लोकलाड़ीला विकास पुरुष वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई नी दृष्टि थी मळ्या छे। वडाप्रधान श्री ए प्रबल राजकीय इच्छाशक्ति
અને વિકાસની રાજનીતિના સમન્વયથી ગુજરાત અને દેશના હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટનો નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. ગામડું હોય, નગર હોય કે મહાનગરો, સામાન્યમાં સામાન્ય નાના માનવીની જરૂરિયાતનો ખ્યાલ રાખીને વડાપ્રધાનશ્રીએ વિકાસની મુખ્ય ધારામાં ગરીબ, વંચિત, ગ્રામીણ અને મધ્યમવર્ગીય સૌને જોડવાની દિશા લીધી છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગામડાના નાના નગરોને પ્રાણવાન અને વાયબ્રન્ટ બનાવવાની નેમ સાથે રૂરબન કોન્સેપ્ટની ભેટ આપી છે. સાથોસાથ રાજ્યના મોટા શહેરો, મહાનગરોને પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સિટીઝન સેન્ટ્રિક ગુડ ગવર્નન્સના કામોથી વર્લ્ડ ક્લાસ સ્માર્ટ અને સસ્ટેનેબલ બનાવ્યા છે. આજે સામાન્ય વર્ગનો માનવી પણ ઉડાન સેવાથી હવાઈ મુસાફરી કરી શકે તેવી સરળ અને સસ્તી પરિવહન સેવા તેમણે આપી છે. એટલું જ નહીં, મેટ્રો રેલ સેવા અને અત્યાધુનિક ટ્રેન વંદે ભારત એક્સપ્રેસની આજે ભેટ આપને આપી છે. આ અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રથમ તબક્કામાં બે કોરિડોર પર દોડશે. અમદાવાદના નગરજનો માટે ઝડપી, સરળ અને કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનું સક્ષમ માધ્યમ બનશે. અમદાવાદ અને સમગ્ર ગુજરાતને આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર એમ ડબલ એન્જિન સરકારના લાભ સાથે વિકાસની ગતિ વેગવંતી બનાવી છે. અમદાવાદને તો વડાપ્રધાનશ્રીના દ્રષ્ટિવંત આયોજનના અનેક લાભ મળ્યા છે. 2009માં તેમણે અમદાવાદની પ્રથમ જનમાર્ગ પરિવહન સેવા BRTS શરૂ કરાવી. વડાપ્રધાનશ્રીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટને આ વર્ષે દશકો પૂર્ણ થયો છે. વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરીકે ઓળખ પામેલા અમદાવાદના એ પ્રાચીન સત્વ અને તત્વને જાળવીને આધુનિકતા સાથે નગર વિકાસ કઈ રીતે થઈ શકે તેનું આગવું દ્રષ્ટાંત આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ અમદાવાદનો કાયાકલ્પ કરીને પૂરું પાડ્યું છે. એક સમયે સૂકી ભંડ રહેતી સાબરમતી નદીના પટમાં સર્કસના તંબુ બંધાતા અને છોકરાઓ ક્રિકેટ રમતા જોવા મળતા હતા. આજે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટની સફળતાએ વિશ્વને રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટની નવી વ્યાખ્યા આપી છે. જે સાબરમતી તરફ ભાગ્યે જ કોઈ જોતું તે હવે પાણથી છલોછલ અને વોટર રાઇડ, બગીચા જેવા આકર્ષણથી ફરવાલાયક સ્થળ બન્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ કાંકરિયા લેકફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ, અટલ ફ્રૂટ ઓવરબ્રિજ, 100 જેટલા નાના મોટા તળાવોના રીડેવલપમેન્ટથી અમદાવાદને રળિયાળું, સુઘડ અને મહાનગર બનાવી દીધું છે. આ મહાનગર સહિત રાજ્યભરના નગરો ગામોને સ્વચ્છ, સાફ, સુઘડ રાખવાના તેમના આહ્વાનને અમૃત 2.0 મિશનથી સફળતાથી આપણે પાર પાડ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી આવાસ યોજના હોય કે પછી શહેરી ગરીબોને આર્થિક આધાર આપી કોરોના કાળ પછી પુનઃ બેઠા કરવાની PM સ્વનિધિ યોજના હોય, ગુજરાતી દરેક ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી છે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી સર્વગ્રાહી, સર્વસમાવી, સર્વસ્પર્શી વિકાસ થયો છે. તેના પરિણામે જ પ્રજાનો વિશ્વાસ 2 દાયકાથી નરેન્દ્રભાઈ પર વધતો જ ગયો છે. આજે વડાપ્રધાનશ્રીએ મેટ્રો ટ્રેન અને વંદે ભારત એક્સપ્રેસની મહત્વપૂર્ણ સ્વાગત દ્વારા વિશ્વાસથી વિકાસની યાત્રાને નવી ગતિ આપી છે. કવચ ટેકનિકથી દેશમાં જ વિકસિત કરવામાં આવેલી વંદે ભારત ટ્રેનને તેમણે પ્રસ્થાન કરાવ્યું છે. આ ટ્રેન એ આત્મનિર્ભર ભારતની આગવી ઓળખ છે. આ વંદે ભારત ટ્રેન ગુજરાત અને દેશના મુસાફરો માટે અતિ ઝડપી અને સુરક્ષિત પરિવહનનું એક નવું નજરાણું બનશે. રેલવે સ્ટેશનનું રીડેવલપમેન્ટ શહેરોના ઇન્ટિગ્રલ ડેવલપમેન્ટને સુસંગત થાય એમ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હવે આવનાર દિવસોમાં બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પણ વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં સાકાર થશે અને ગુજરાતની નવી ઓળખ બનશે. આપણે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં શહેરીકરણને અવસરમાં પલટાવ્યું છે. અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, અર્બન મોબિલિટી અને હોલિસ્ટિક અર્બન ડેવલપમેન્ટથી ગુજરાત વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશ અને દુનિયામાં શહેરી વિકાસનું રોલ મોડલ બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. માનીને મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના પ્રેરક ઉદબોધન માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. નવરાત્રિ કે ઇસ પાવન અવસર પર પશ્ચિમ રેલવેઝ
नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने कर कमलों से वंदे भारत एक्सप्रेस का रिमोट द्वारा लोकार्पण करें। वंदन है भारत को, वंदन है स्वदेशी के विचार को, वंदन है दृढ़ संकल्प को, वंदन है इस संकल्प से निकले परिणाम को, वंदन है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदन आत्मनिर्भर भारत को। कृपया ध्यान दीजिए, ये ट्रेन वंदन है प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को, पिछले 8 सालों में हुए रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन को, वंदन है स्वदेश में निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते भारतीय रेलवे के कदमों को। ये ट्रेन वंदन है भारत की अत्याधुनिक तकनीक को, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का आ गया दौर। यात्रियों का सफर होगा आरामदायक, समय की होगी बचत। वंदे भारत 2.0 में है कवच की सुविधा, जो ट्रेन परिचालन में सुनिश्चित करेगी संरक्षा। ड्राइविंग कैब बनाए गए हैं एरोडायनामिक, लुक है आकर्षक और गति है तेज। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम है एडवांस। ये ट्रेन सेट है एनर्जी एफिशिएंट। फुल्ली एसी ट्रेन में है इंटेलिजेंट एसी सिस्टम, जो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से होगा एडजस्ट। सभी कोचों में है फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, जो यात्री सुरक्षा को बनाए पुख्ता। तेज रफ्तार में भी न फील हो जर्क, लगाए गए हैं सेमी परमानेंट कपलर। फ्लड की स्थिति में भी दौड़ेगी ये ट्रेन। ट्रेन सेट का है ग्राउंड से 650 मिलीमीटर का क्लियरेंस। आधुनिक यात्री सुविधा का रखा गया है ख्याल। यात्री सुविधा में नए युग का है सूत्रपात। आपको कंफर्ट फील कराएंगे रिक्लाइनर चेयर्स, मॉडर्न एंड स्लीक विंडो, 32 इंच डिस्प्ले का पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, कंसील्ड रोलर ब्लाइंड, टच बेस्ड रीडिंग लाइट, डिफ्यूज्ड एलईडी लाइट, स्लाइडिंग फुटस्टेप के साथ ऑटोमेटिक डोर, टच फ्री अमेनिटीज के साथ बायो वैक्यूम टॉयलेट, इमरजेंसी विंडो, इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम, इलेक्ट्रिक फेलियर के समय जलने वाली इमरजेंसी लाइट। रखा गया है दिव्यांगों का विशेष ख्याल। सीट हैंडल में ब्रेल में भी लिखे सीट नंबर और दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय। ये ट्रेन वंदन है फ्यूचरिस्टिक विजन को, जिससे दो राज्यों के बीच की दूरी होगी कम। औद्योगिक और व्यवसायिक केंद्रों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और मुंबई में व्यापार व्यवसाय के साथ पर्यटन को मिलेगी और गति, रोजगार में वृद्धि के बढ़ेंगे अवसर। ट्रेन की गति को विकास से जोड़ आत्मनिर्भर भारत में गुजरात की भागीदारी को एक नया आयाम दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदन आत्मनिर्भर भारत को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस की गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेवा का हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ। ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अहमदाबाद निवासियों को यातायात के लिए मेट्रो की भेंट मिलने जा रही है। आइए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र विनती करते हैं कि वे अपने कर कमलों से मेट्रो फेज वन का लोकार्पण करें।
धन्यवाद। अब हम अहमदाबाद शहर को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ती मेट्रो फेज वन के बारे में विस्तार से जानते हैं एक एवी द्वारा। देश में तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से देश का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर अहमदाबाद। जितनी तेजी से यह शहर आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी। अब शहर के फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ गई है अहमदाबाद मेट्रो रेल, अहमदाबाद की नई लाइफलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीव्र सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विजन को साकार करती है मेट्रो। इसका 40 किलोमीटर लंबा पहला फेज शहर के चार कोनों और 32 स्टेशनों को दो कॉरिडोर्स के माध्यम से जोड़ता है। पहला कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर थलतेज गांव से लेकर वस्त्राल गांव के बीच डेपो को जोड़ता हुआ लगभग 20 किलोमीटर कवर करता है, जिसमें से 6.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रीच एंड डेपो का उद्घाटन 4 मार्च 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से किया गया था। दूसरा कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ग्यासपुर मेट्रो डेपो से मोटेरा मेट्रो स्टेशन, जहां विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, वहां तक लगभग 19 किलोमीटर कवर करता है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके स्पष्ट निर्देश थे कि मेट्रो की शाही सवारी शहर के पूर्वीय क्षेत्र और पुराने शहर के कम चौड़ाई वाले रास्तों से होकर निकले, ताकि सामान्य नागरिकों को सस्ता और तेज यातायात प्राप्त हो सके। शहर के बीच से गुजरती रेलवे लाइन का अधिकतम तथा शहर के भूमि संसाधनों का उच्चतम उपयोग किया जाए। आम आदमी के जमीन संपादन, पुनर्वास और स्थान परिवर्तन की जरूरत कम से कम की जाए। साथ ही शहर की ये नई जीवन रेखा शहर के पूर्व भाग को पश्चिम और उत्तर भाग को दक्षिण से जोड़े। जितना बड़ा आम आदमी के विकास का सपना उतनी ही बड़ी चुनौतियाँ। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों एवं पुश्तैनी घरों के नीचे सावधानी से टनलिंग करना, सरखेज गांधीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 165 मीटर लंबा बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज निर्माण, साबरमती नदी पर ब्रिज तथा अहमदाबाद दिल्ली रेलवे लाइन पर ओपन वेब ब्रिज के निर्माण का कार्य शहर के लोगों के अभूतपूर्व सौजन्य से पूरा हो गया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अहमदाबाद मेट्रो सुसज्जित है। एस्केलेटर, लिफ्ट, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, ऑटोमेटेड ट्रेन ऑपरेशंस, अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर और सिग्नलिंग से स्टेशंस को सुंदर आर्टवर्क और साइनेजेस से सजाया गया है। इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए जरूरी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। मल्टी मॉडल एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो का बुलेट ट्रेन, भारतीय रेलवे, BRTS, AMTS और GSRTC के साथ एकीकरण किया गया है। आज राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री जी के तीव्र और समयबद्ध विकास के विजन से मेट्रो के निर्माण कार्य में कई गुना तेजी आई है। देश में 2014 से पहले 5 शहरों में 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, जो आज 20 शहरों में 810 किलोमीटर में फैल चुका है। अहमदाबाद में भी मेट्रो रेल जुड़ेगी युवाओं को रोजगार से और जन जन को सुविधाओं से। अहमदाबाद मेट्रो रेल, अहमदाबाद की नई लाइफलाइन। माननीय प्रधानमंत्री जी, जन सुखाकारी के लिए ये भेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात की धरा से आज विश्व फलक पर जिनका नाम रोशन हुआ है, जिन्हें भारत के प्रत्येक नागरिक की असीम परवाह है और जो भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिबद्ध है, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आइए तालियों की गूंज के साथ उनके विशिष्ट संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। ये देश की तीसरी और गुजरात की पहली वंदे भारत ट्रेन है। कालूपुर रेलवे स्टेशन से कालूपुर मेट्रो स्टेशन और फिर वहां से अहमदाबाद मेट्रो की सवारी करते हुए मैं थल तेज पहुंचा। यानी कोई बाहर से वंदे भारत के जरिए आ रहा हो तो उसके बाद सीधे सीधे मेट्रो पर चढ़कर शहर में अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है। और गति इतनी तेज कि जो शेड्यूल कार्यक्रम बनाया था उससे 20 मिनट पहले मैं थलतेज पहुंच गया। मैं आज ट्रेन में सफर कर रहा था, डिपार्टमेंट के लोग कई खूबियां बताते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते रहते हैं, कितनी स्पीड है, क्या है।